नमस्ते, मैं हूं पायल रोहतगी। जी हाँ, अभी तक तो आप सबने देख लिया होगा सुशांत के अनसीन वीडियो की फुटेज। जी हाँ, ये वीडियो की फुटेज देखकर आई थिंक किसी की भी आंख में आंसू आ जाए। व्हाट वाज हैपनिंग टू हिम? कोई ऐसा उसके साथ कैसे कर रहा था? अगर वो एंटी डिप्रेसेंट्स या एंटी साइकोटिक्स ड्रग्स ले रहा था तो उसकी वीडियो की फुटेज ऐसे नहीं होती जो पब्लिक डोमेन पर आई है। और ये वीडियो की फुटेज पब्लिक डोमेन पर आई है क्योंकि रिया चक्रवर्ती का फोन जब्त कर दिया गया एंड ऑल डिलीटेड यू नो स्टफ वॉज मेड पब्लिक, और मे बी इट वॉज नॉट डिलीटेड, इट वॉज जस्ट देयर इन रिया चक्रवर्ती फोन, एंड नाउ बिकॉज हर फोन वॉज जब्त एवरीबडी गॉट एक्सेस टू इट। तो रिया चक्रवर्ती, आप मुझे बताइए कि आप अपने बॉयफ्रेंड यानी सुपरस्टार सुशांत सिंह राजपूत के ऐसे वीडियोज क्यों बना रही थी? आप उसके वीडियोज अगर बना रही थी तो आप उनके परिवार को ऐसे वीडियोज क्यों नहीं भेज रही थी, सो दैट दे कुड कैच द फर्स्ट फ्लाइट एंड बी विद हिम? क्यों आप कंट्रोल करना चाहती थी सुशांत सिंह राजपूत को जब वो ये स्थिति में थे? और एंटी साइकोटिक ड्रग्स लेके कोई आदमी ऐसे नहीं बिहेव करता जैसे वो अनसीन वीडियोस में सुशांत सिंह राजपूत दिखा गया। ओह माय गॉड, आई फील सो सैड फॉर हिम। हाउ कुड बॉलीवुड डू दिस टू हिम? बॉलीवुड, आपने एक टैलेंटेड सुपरस्टार के साथ ऐसा किया दैट द पर्सन स्टार्टेड फीलिंग दैट ही वाज अ जीरो। हाउ कुड यू डू दिस? एंड वो ऑब्वियसली अगर नशा कर रहा था, ड्रग्स ले रहा था, तो रिया चक्रवर्ती आप उसके वीडियोस बना रही थी instead of getting him help, instead of informing his family, आप उसके ये videos बना रही थी। उसको पता था कि आप उसके ये videos बना रही है, इसलिए maybe जब आप घर छोड़कर गई तो he got scared कि आप ये videos public में release कर देंगी तो शायद उसका जितना भी बचा कुचा इज्जत है वो खत्म हो जाएगा if he committed suicide। मगर obviously AIIMS के doctors और ये बाकी सब facts prove करते हैं कि it was a murder। But आपने ऐसा कैसे किया? How could you make a video of your partner in that state? आप मुझे बताइए कि आप खुद sober रहेंगी और अपने you know boyfriend जो एक talented superstar है, जिसकी fan following है, जिसने इतने बड़े-बड़े banners की pictures की है, उसके आप ऐसे videos बनाएंगी? My God, रिया चक्रवर्ती आप कितनी बड़ी मैन्युपुलेटर है, आप कितना ब्लैकमेल कर सकती थी सुशांत सिंह राजपूत को और आपने ये किया, और आपके ये ब्लैकमेल की वजह से सुशांत सिंह राजपूत शायद और बौखला गए ड्यूरिंग द लास्ट डेज ऑफ हिज लाइफ, बिकॉज वो दिशा सेलियन का मर्डर हुआ या खून हुआ या सुसाइड हुआ हमें नहीं पता, बट दिशा सेलियन के डेथ से सुशांत सिंह राजपूत इतने अपसेट हो गए, ही वॉज इन लिटरली इन टीयर्स, एंड आप वो वीडियोज बनाती थी? How could you do this? आप इतने निर्दय इंसान कैसे हो सकती थी? What a manipulating bitch you are! Yes, that's what you are, रिया चक्रवर्ती। आपने सुशांत सिंह राजपूत के ऐसे वीडियोस बनाए और वो ऐसे वीडियोस में obviously अगर एंटी साइकोटिक ड्रग्स के यू नो नशे में होता तो वो ऐसे बिहेव नहीं कर रहा होता। He was literally going from tears to smiling to feeling embarrassed about himself, और वो वीडियोस आप रिकॉर्ड कर रही थी एंड यू वर trying to make him feel, oh my god, आप कितने handsome हो, blah blah blah, but this is how you do that? आपका पार्टनर ऐसी स्थिति में है और आप उसके फैमिली को इन्फॉर्म नहीं करो, आप उसके फैमिली को चार्ज कंट्रोल नहीं दो, ऐसे कैसे आप कर सकते हो? हाउ कुड यू डू दैट? यू मेड अ सुपरस्टार somebody who is a you know a, such a vulnerable person। आई एम सो सो पिस्ड ऑफ विद यू रिया चक्रवर्ती। आपको तो जेल में बहुत दिनों के लिए सड़ना चाहिए, मगर आपके तो बहुत सारे समर्थक है, अनुराग कश्यप से लेके दैट स्टूपिड इडियोटिक फेमिनिस्ट सोनम कपूर से लेके ऑब्वियसली फराह अली खान से लेके, सब लोग अभी आपका समर्थन कर रहे हैं। वो फराह अली खान जिसका हस्बैंड ड्रग्स के साथ पकड़ा जाता है, कौन सा ड्रग्स? एक्सटेसी के पिल्स के साथ, वो ऑब्वियसली आपका समर्थन करेगी बिकॉज वो भी कहेगी कि उसके पति को जानबूझ के ड्रग्स के साथ फंसा दिया गया, वो भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। अभी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे तो मोदी सरकार नहीं है ना, वहां पर तो वो सरकार ने शायद फंसाया होगा डीजे अकील को, बिकॉज उनको शायद यू नो कोई निजी दुश्मनी होगी डीजे अकील से। वैसे ही सोनम कपूर को लगता है कि ये विच हंट है। सोनम कपूर की तो बुद्धि एकदम उसके घुटनों में है, तो मुझे समझना है सोनम कपूर से, ओके ये अगर आपको विच हंट लगता है तो ये जो स्लोगन आप प्रमोट कर रहे हो, रोजेस आर रेड एंड वायलेट्स आर ब्लू, लेट दिस पैट्रियार्की यू नो एंड विद यू एंड मी, तो यहाँ पे पैट्रियार्की कहाँ पे आ गई? यहाँ पर सिर्फ मेन आर नॉट कंट्रोलिंग द सिचुएशन, इवन वुमेन लाइक अस आर कंट्रोलिंग द सिचुएशन बिकॉज वी आर अगेंस्ट रिया चक्रवर्ती। देयर आर लॉट ऑफ वुमेन, बहुत सारी औरतें हैं भारत के अंदर जो रिया चक्रवर्ती के खिलाफ
खिलाफ है, यहाँ पे सिर्फ पुरुष खिलाफ नहीं है रिया चक्रवर्ती के लिए, तो आप यहाँ पे पैट्रियार्की का एंगल मत लेके आओ। आई वॉज जस्ट वेटिंग कि यहाँ आप ब्राह्मण पैट्रियार्की का एंगल ले आओगे, जैसे आपने वो ब्राह्मण पैट्रियार्की का एंगल लेकर आए थे वो जैक डॉर्सी के साथ, जब आपको कुछ दलित की कहानी को प्रमोट करना था बिकॉज जैक डॉर्सी वॉज ट्विटर का सीईओ। तो आपकी बुद्धि इतनी गई गुजरी है कि यहां पर आपको लगता है कि रिया चक्रवर्ती को सिर्फ पुरुष लोग नफरत करते हैं, नहीं, बहुत सारी महिलाएं भी रिया चक्रवर्ती से नफरत करती है, और सिर्फ पुरुषों की वजह से वो जेल में नहीं गई है, वो एक कानून तोड़ने की वजह से जेल में गई है। तापसी पानू को लगता है कि रिया चक्रवर्ती डिड नॉट कंज्यूम ड्रग्स, तो तापसी पानू आप है ना एनडीटीवी को फॉलो करना बंद करिए, आप बाकी न्यूज चैनल्स की गूगल सर्च भी करिए, और बाकी न्यूज चैनल्स भी पूरी इंफॉर्मेशन देते हैं, एनडीटीवी ऑब्वियसली आधी इंफॉर्मेशन देता है जहां पर वो गुनेगारों के साथ खड़ा रहता है, बिकॉज ऑब्वियसली फ्रीडम ऑफ स्पीच है भारत के अंदर, गुनेगारों को भी आवाज दी जाती है। तो एनडीटीवी का वीडियो टैग करके ये मत लोगों को कहिए कि रिया चक्रवर्ती ड्रग्स कंज्यूम नहीं करती थी। रिया चक्रवर्ती ड्रग्स कंज्यूम करती थी, वो जॉइंट लेती थी पार्टीज के अंदर, ऐसा उसने कबूल किया है, एंड शी हैज बीन अरेस्टेड फॉर कंज्यूमिंग ड्रग्स, नॉट फॉर ट्रैफिकिंग ड्रग्स एज ऑफ नाउ, एज पर मैंने जो समझा है, बिकॉज मैं सिर्फ एक न्यूज पोर्टल के बेसिस के ऊपर अपनी जजमेंट नहीं बनाती, मैं बाकी गूगल सर्च करके भी अपनी जजमेंट बनाती हूं। तो ये तापसी पानू और ये अनुराग कश्यप टाइप्स और ये सोनम कपूर, जिसकी तो बुद्धि आप समझ ही गए होंगे कहां है, पैट्रियार्की एंगल ले आए, देयर इज नो पैट्रियार्की एंगल यहां पे, ओके, इवन वुमेन आर अगेंस्ट रिया चक्रवर्ती, बिकॉज रिया चक्रवर्ती एक मैन्युपुलेटिव औरत थी, आपका बॉयफ्रेंड, आपका लिव इन पार्टनर की अगर ये हालत होती, वो अपने वीडियोस में रो रहा होता और आप बैठ के वो वीडियोस शूट करती, ओ माय गॉड, व्हाट अ बिच यू आर रिया चक्रवर्ती, यू नीड टू रियली रॉट इन जेल। बट ठीक है, आपका आपका कर्मा है, आपको आपके घर में आपकी सजा जरूर मिलेगी, बिकॉज आई रियली डोंट नो फॉर हाउ लॉन्ग यू विल बी इन जेल, आपको शायद बेल मिल जाएगी बिकॉज बहुत सारे लोग आपका समर्थन कर रहे हैं, बट बॉलीवुड, यू एक्चुअली डिड दिस टू सुशांत सिंह राजपूत, यू एक्चुअली डिड दिस टू दिस गाय हु वाज सो टैलेंटेड, गॉड, आप लोगों को शर्म नहीं आती, आपने सुशांत सिंह राजपूत के साथ ऐसा किया, यू मेड हिम अ वेजिटेबल। आप यहां पर कह रही हैं कि सुशांत सिंह राजपूत को भी अगर जेल होती, अगर उसका ड्रग्स का सेवन पता चल जाता तो उसको जेल होती, हाँ अगर उसका ड्रग्स का सेवन होता और उसको उसके बारे में लोगों को पता हो चल जाता तो उसको जेल जरूर होती, मगर उससे ज्यादा खतरनाक काम है जो रिया चक्रवर्ती ने सुशांत सिंह राजपूत के साथ किया है। उसने वीडियोज बनाए एक आदमी के ऐसे वल्नरेबल स्टेट के अंदर, क्यों बनाए, उसने ऑडियो रिकॉर्डिंग्स करी जब वो आदमी इतने वल्नरेबल स्टेट में बात कर रहा था अपने कोई यू नो फाइनेंशियल मैनेजर के साथ, क्यों बनाई, वो ऑब्वियसली प्रूफ इकट्ठा करना चाहती थी, और ये प्रूफ वो बॉलीवुड के इनसाइडर्स को दिखाती थी ये बताने के लिए कि देखो मैंने काम तमाम कर दिया, सुशांत सिंह राजपूत को मैंने पागल बना दिया, वो एक्चुअली समझता है कि वो जीरो है एंड ही इज फिनिश्ड, सो नाउ टेक ऑल हिज मूवीज एंड यू नो टेक ओवर व्हाटएवर यू वांट टू डू बिकॉज नाउ सुशांत सिंह राजपूत इज ओवर। और फिर 8 जून को आप सुशांत सिंह राजपूत का घर छोड़कर चली जाती हैं और महेश भट्ट को मैसेज करती हैं। ये है रिया चक्रवर्ती, और रिया चक्रवर्ती का समर्थन करते हैं भारत के अंदर कुछ फेमिनिस्ट, नहीं बहुत फेमिनिस्ट और नामर्द लोग, नामर्द आदमी, जी हाँ मैं ये शब्दों का प्रयोग करूंगी बिकॉज ये आदमी नामर्द है, ये अभी पैट्रियार्की एंगल लेके आ गए, यहाँ पे कोई पैट्रियार्की एंगल नहीं है, और हाँ ब्राह्मण पैट्रियार्की एंगल मत लेके आना बेवकूफों की तरह, यहाँ पे औरतें भी रिया चक्रवर्ती से नफरत करती है क्योंकि जो उसने किया सुशांत सिंह राजपूत के साथ वो कोई दुश्मन भी नहीं करता, ठीक है, कोई अगर आदमी इतना स्ट्रेस्ड भी अगर है तो उसको सबसे पहले परिवार से जोड़ा जाता है, परिवार उसका इलाज करवाता है, ऐसा नहीं कि आप बैठ के अपने हिसाब से उसको ड्रग्स दे कि भैया या दवाई दे, अभी लंच में मैं ये दे रही हूँ, ब्रेकफास्ट में मैं ये दे रही हूँ, और फिर बैठ के उसको कंट्रोल करे, और वो आदमी जो इतना कंट्रोल करता था सारी सिचुएशंस को, वो इतना वल्नरेबल हो गया, बच्चे जैसा हो गया, ही वाज एक्चुअली क्राइंग, हाउ चीप, हाउ पैथेटिक, हाउ डर्टी, रिया चक्रवर्ती यू विल फेस योर कर्मा, रियली यू विल फेस योर कर्मा फॉर व्हाट यू हैव डन, आई नो इट, आई बिलीव इन गॉड, नमस्ते।